सुने, ये जुगनू को दे दीजिएगा। नहीं, मेरे पास ट्यूशन के पैसे रखे हुए हैं, मैं दे दूंगी। खैर, अभी वॉलेट खाली नहीं हुआ मेरा। जब जेब में नहीं होंगे ना, तब दे दीजिए। अल्लाह करे तुम्हारा वॉलेट हमेशा ऐसे ही भरा रहे। आमीन। वैसे भी आजकल सिर्फ भरे वॉलेट वालों की कदर होती है। जिन्हें भरे वॉलेट वालों की कदर होती है ना, उनके दिल खाली होते हैं, हमेशा याद रखना। बड़ी हैरत होती, जाने कैसे दिल बदल जाते हैं लोगों। मैं ऐसी नहीं थी पहले, कल तो उसने ढंग से बात भी नहीं की मुझसे। अच्छा तुम नाश्ता करो और एक बात हमेशा याद रखना, जो तुमसे सीधे मुंह बात नहीं कर रही है, सोचो उसे ढंग से मोहब्बत क्या करनी आएगी। और इस बारे में ज्यादा सोचा मत कर, नाश्ता कर। जानबूझ के थोड़ी सोचता हूँ उसके बारे में, उसका ख्याल है जो पीछा ही नहीं छोड़ता मेरा। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग मॉम। आज तुम जल्दी कैसे जाग गई? मैं तो सारी रात सो ही नहीं, डैड चले गए। हाँ, उसे भी लगा कि तुम सोई हुई हो, तो वो बिजनेस ट्रिप पे मलेशिया भी जा रहा है। डैड के साथ उनका बिजनेस चिपका रहता है, फिर वो घर है या मलेशिया क्या फर्क पड़ता है। हाँ, but it's not like he doesn't care for you। काश आपकी केयर करते। He's madly in love with me, बस दिखाता नहीं है। ये सारी बातें आप उनके सामने क्या करें तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। मुझे लगता है कि हेल्थी रिलेशनशिप में ना मियां बीवी को नोकझोंक करनी चाहिए। जब तुम्हारी शादी होगी तब तुम्हें पता चलेगा। मॉम प्लीज, मुझे सब समझने के लिए शादी नहीं करनी। As you wish, ब्रेकफास्ट का बता देना। Have a fabulous day. कल सारी रात तुम्हें मैसेजेस करती रही और तुमने मुझे कोई जवाब ही नहीं दिया। सॉरी यार, बिजी थी। सच बताऊं तो मुझे अब फाइक से जेलसी होने लगी है। हाँ हेलो। हाँ हाँ, हम लोग बस पहुंच रहे हैं 5 मिनट में। ओके, जल्दी चलें, वो फाइक हमारा इंतजार कर रहा है। व्हाट? वो क्यों वेट कर रहा है? लंच नहीं करना तुम्हें? तुम मेरे साथ जा रही हो, वो कहाँ से आ गया बीच में? क्यों नहीं आएगा वो? मैंने इनवाइट किया उसे। सबसे पहले हम अच्छा सा लंच करेंगे, उसके बाद मैं फाइक के साथ शॉपिंग पर जाऊं। अच्छा ना, तब मूड ठीक करो प्लीज। कांग्रेचुलेशंस, मुझे नहीं था पता कि आप भी इस लंच पे इनवाइटेड हैं। और अगर पता होता तो क्या आप ना आती? कैसे ना आती, मैं अपने साथ लेकर आती, ताकि जितनी भी तसल्ली करनी आराम से कर लें, बाद में मुझे मशवरे जो देने होता। ये तसल्ली कैसी? कुछ नहीं, ऐसी कह रही है। रिलैक्स, आई नो आप दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, सो इट्स ओके, फाइन। बहुत अच्छे दोस्त थे आपके आने से पहले। और अब? अब टाइम ही नहीं इनके पास मेरे लिए। नूर, नूर मेरी बात सुनो। नूर, नूर। है मोहब्बत, तेरे अंजाम पे रोना आता। जरूरी नहीं कि मोहब्बत हो,
फ्लर्ट भी तो हो सकता है। अरे यार फ्लर्ट क्यों, देखा नहीं तुमने बेचारा कैसे मेहनतें कर रहा था। मोहब्बत होती तो बात मिन्नतों तक आती ही नहीं। वैसे काफी डीप ऑब्जर्वेशन है आपकी, कहीं आप भी किसी से। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं, इसकी जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों भाई इतनी आदम बेजारी क्यों? मोहब्बत के मामले में ये ऐसी ही है। Really? हाँ, क्योंकि कभी इसने किसी को अपने करीब आने ही नहीं दिया, और अगर किसी ने दिल देना भी चाहा तो इसने ऐसी शेरनी वाली निगाहों से देखा कि अगले की वहीं पे हिम्मत खत्म हो जाती है। थैंक गॉड तुम ऐसी नहीं। शान जी क्या हुआ? आप लोग एंजॉय करें, मुझे जाना। हाँ लेकिन वो क्या है? कुछ नहीं। शायद बुरा मान गई वो। अब कोई बात नहीं, इट्स ओके, तुम ऑर्डर प्लेस करो। गॉड से एक शान से बिना वजह का ड्रामा क्रिएट मत करो। तुमने फाइक कहीं नहीं, मेरी भी इंसल्ट की है। इस तरह वहां से उठकर आ गई, ये भी नहीं सोचा कि फाइक क्या सोचेगा। फाइक क्या सोचेगा इसकी परवाह तुम्हें होनी चाहिए। यू आर सो रूड शांजे। तुम्हें अंदाजा भी है किस तरह वो मुझे डिस्कस कर रहा था? सो कुछ गलत तो नहीं कहा था उसने? व्हाट डू यू मीन कि उसने कुछ गलत नहीं कहा था? मैं तुम्हारी वजह से वहां से खामोशी से उठ के आ गई, वरना अच्छी खासी सुनाती मैं उसे। मिस शांजे कामरान, शायद आप भूल रही हैं कि मैं फाइक से मोहब्बत करने लगी और अब उसके खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं सुनूंगी। अंडरस्टैंड? आर यू सीरियस? एक शख्स जो तुम्हारा कजन है, तुम्हारी कोई इंटेंशंस नहीं उसके लिए, और अंकल आंटी ने उसे तुम्हारे लिए पसंद किया और आज तुम्हें उससे मोहब्बत हो गई है। I mean, that's so stupid. It's enough, शांजे. It's enough. पिज्जा ऑर्डर किया है, वो तो खाती जाओ। बिल्कुल, ऑफ कोर्स मिसेस नवाज, यू आर मोर देन वेलकम। बिली को भी साथ ले आएगा। हाँ मुझे अच्छा लगेगा शांजे और वो जरा बातचीत कर लें। यस जी जी बिल्कुल। ओके अल्लाह हाफिज। रमला क्यों चली गई? उसकी मर्जी है मॉम। तुम दोनों के बीच कोई नाराजगी हुई है? इससे पहले तो ये कभी इतनी जल्दी नहीं गई। मॉम शादी हो रही उसकी। ओ वाओ, तुमने बताया क्यों नहीं? मैं उसे मुबारकबाद दे देती। ग्रेट, अब दे दे मुबारकबाद। मूड क्यों ऑफ है तुम्हारा? ये भी नहीं बता रही कि नाराजगी क्यों हुई। इन्हों रमला की जिस लड़के से शादी हो रही है उसके खिलाफ वो एक लफ्ज नहीं सुनती, और मैं सच कहे बगैर रह नहीं सकती। शान से तुम्हारी एक ही तो दोस्त है, उससे भी अनबन कर लोगी तो अकेली पड़ जाओगी ना। मॉम रमला बहुत बदल गई है, इग्नोर करती है मुझे। तुम्हें इग्नोर करती है तो तुमसे मिलने क्यों आई? आई थिंक यू शुड मेक अप विद हर। मैं जानती हूँ उसे मना लूंगी। गुड। अच्छा सुनो, कल मिसेस नवाज आ रही है। पहले भी आती रही है, इसमें कौन सी खास बात है? खास बात यह कि इस बार वो अपने बेटे के साथ आ रही है तुम्हें देखने। मॉम वो मुझे पहले भी देख चुकी हैं। हाँ लेकिन उनके बेटे ने नहीं देखा, और मैं चाहती हूँ कि तुम भी उसे देखो, सुलझा हुआ लड़का है। ओके okay.